691.8 के साथ मलद्विनु नंबर गगन नारंग थर्ड, और 690.4 के साथ गगन नारंग नंबर तीन पर। तो गगन नारंग के लिए अभी भी मौका है, चीन के खिलाड़ी उनसे 0.4 पीछे हैं, 0.4 पीछे हैं चीन के खिलाड़ी। तो गगन नारंग नंबर दो पर। सांसें रोक देने वाला मुकाबला किसको कहते हैं? ये सांसें रुकी हुई हैं। अनीसा सैयद कुछ कहना नहीं चाहती है क्योंकि उनकी नजर जो है वो टेलीविजन पर लगातार बनी हुई है। आखिरी शॉट बाकी है गगन नारंग, गगन नारंग का आखिरी शॉट, कम ऑन गगन, सभी शूटर्स का आखिरी शॉट। फैसला हो जाएगा कि क्या गगन नारंग को लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल मिल रहा है या नहीं। ब्रॉन्ज मेडल की रेस में अब गगन नारंग कितनी दूर है उस पर निर्भर करता है। अभी नंबर तीन पर है और 0.7 का फर्क है सिल्वर मेडल के साथ। तो उस लिहाज से गगन नारंग को अच्छा शॉट लगाना होगा और ये उम्मीद करनी होगी कि निकोलो कंप्रियानी का शॉट बिगड़े। 691.1 भाई, अपना भला तभी हो सकता है जब सामने नहीं, नहीं, नहीं। अरे ये खिलाड़ी ऐसा नहीं सोचते, खिलाड़ी सोचते हैं कि हम अच्छा करें। अरे हम तो समर्थक हैं, हम यही सोच रहे हैं। चलिए हम अपने देश के खिलाड़ी के लिए सोच रहे हैं तो अच्छा ही सोच रहे हैं, उसकी भलाई के लिए अच्छा सोच रहे हैं। तो हम किसी और खिलाड़ी के लिए बुरा उस लिहाज से नहीं सोच रहे, अपने देश के लिए अच्छा सोच रहे हैं। तो आखिरी शॉट मलद्विनु और कैम्प्रियानी नंबर एक और नंबर दो के बीच में इस वक्त टक्कर। पहला शॉट कौन लेगा इसको लेकर दोनों इंतजार कर रहे हैं दूसरे का, लेकिन लग रहा है कि कैम्प्रियानी ने 10.4 मारा है, नंबर दो पर है। तो 10.4 तो सिल्वर मेडल एक तरह से कैम्प्रियानी का पक्का। मलद्विनु को देखना होगा कैसे शूट वो करते हैं। मलद्विनु क्या गोल्ड ले पाएंगे? गगन नारंग नंबर तीन पर है इस वक्त, गगन नारंग का एक शॉट बचा हुआ है। उस एक शॉट में गगन नारंग क्या अपनी बढ़त को बरकरार रख पाएंगे चीन के खिलाड़ी के साथ, क्योंकि चीन का खिलाड़ी उनसे 0.4 पीछे है। तो अगर एक शॉट गगन का बिगड़ता है तो चीन के खिलाड़ी को मौका मिलता है आगे बढ़ने का। मलद्विनु ने मारे 10.4, तो गोल्ड और सिल्वर लगभग तय माना जा सकता है। गगन नारंग ने अभी शूट नहीं किया, गगन नारंग ने मार दिया है 10.7, तो एक तरह से नंबर तीन पर गगन नारंग। ब्रॉन्ज मेडल गगन नारंग के लिए कहा जा सकता है, ब्रॉन्ज मेडल कह सकते हैं हम? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं कह सकते। तो भारत को पहला मेडल मिला है लंदन ओलंपिक्स में और ब्रॉन्ज मेडल जीता गगन नारंग ने। गगन नारंग ब्रॉन्ज मेडल जीत गए हैं फाइनल में। भारत की ओर से 10 मीटर एयर राइफल के लिए गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। एलन जॉर्ज मलद्विनु ने गोल्ड जीता है, गगन नारंग के खाते में ब्रॉन्ज आया है और निकोलो कैम्प्रियानी इटली के वो दूसरे स्थान पर रहे हैं, सिल्वर उन्होंने लिया है। पहला गगन नारंग भारत के लिए, गगन नारंग के कोच, गगन नारंग के कोच को हम देख रहे हैं, लेकिन पहला मेडल भारत के लिए हो सकता है। भारत के लिए पहला मेडल पक्का हो चुका है। और फाइनल स्कोर्स का इंतजार है, फाइनल स्कोर में क्या बताया जाता है निर्भर करता है उसमें, लेकिन निकोलो कैम्प्रियानी नंबर दो पर इटली के, गगन नारंग नंबर तीन पर। ब्रॉन्ज मेडल गगन नारंग को ओलंपिक में, पहला पदक भारत के लिए, ब्रॉन्ज मेडल जीता गगन नारंग ने। भारत के गगन नारंग को कांस्य पदक नंबर तीन रहे। टोटल स्कोर 701.1। गगन नारंग ने शूट किया है ब्रॉन्ज मेडल के लिए, नंबर तीन पर वो क्वालिफाइंग में रहे और अंत तक वो नंबर तीन पर मौजूद रहे। गगन नारंग को कांस्य पदक, भारत को पहला पदक लंदन ओलंपिक 2012 में और कांस्य पदक 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में गगन नारंग को। गोल्ड मेडल मिला है एलियन को, मिला ना, मेरे ख्याल से रूस के खिलाड़ी हैं वो, कहां के हैं वो, रूस के खिलाड़ी लग रहे हैं फिलहाल। पहला पदक भारत के लिए, गगन नारंग को कांस्य पदक। पिछली बार चूक गया था। पिछली बार अभिनव ने गोल्ड लिया था और उसमें गगन नारंग क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे, एलिमिनेशन में ही बाहर हो गए थे, क्वालिफिकेशन में नहीं आ पाए थे। लेकिन गगन नारंग ने इस बार 701.1 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता है। अच्छा, यानी कि जो 3 तारीख लकी मैंने कहा था 3 नंबर, वो उन्होंने बिल्कुल साबित कर दिया है। हमारे साथ जयदीप करवरकर जुड़ गए हैं लंदन से, उनसे बात करते हैं। जयदीप बधाई, ये तो भारतीय शूटिंग के लिए पहला पदक हो गया, भारत के लिए पहला पदक हो गया, गगन ने 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीत लिया। जयदीप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो,
क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं जयदीप? हाँ यहाँ पे बहुत आवाज है मगर, हाँ बोलिए। क्या जश्न की आवाज है वहाँ पर, क्योंकि गगन नारंग ने पहला पदक जीता है भारत के लिए? हाँ गगन ने अभी पहला पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है भारत के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की खबर है। सारे इंडियन फैंस जो है यहाँ पे बहुत शोर मचा रहे हैं, सारे बहुत खुश है, इंडिया फ्लैग लहरा रहे हैं जी। और खुशी ये बताइए, माहौल बहुत ही हैप्पी है यहाँ पे माहौल।